हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अंकिता मिकोर। आज इस वीडियो में मैं आपको हेयर एक्सटेंशन से हेयर स्टाइल बनाना बताऊंगी। मेरे हेयर एक्सटेंशन वाले जो प्रीवियस वीडियो थे उन पे मेरे पास बहुत से क्वेश्चन आए थे, क्या मैम इसे हम बन बना सकते हैं, क्या अगर इसको अप्लाई करने के बाद हम चोटी बना सकते हैं। तो गाइस बहुत कुछ आप सब कुछ कर सकते हो, वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी किस तरीके से आप बना सकते हो। सो गाइस साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगी अगर आपने बालों में हेयर कट लिया हुआ है तो आप किस तरीके से इस हेयर एक्सटेंशन को अप्लाई कर सकते हो। सो गाइस वीडियो को पूरा देखिएगा, अगर वीडियो अच्छा लगे हेल्पफुल लगे तो मेक वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, बेल बटन को जरूर ऑन कीजिएगा ताकि न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। सो गाइस मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल ना भूलिएगा, यहाँ पे स्क्रीन पे मेरा इंस्टाग्राम आईडी आपको मिल जाएगा। और अगर आप ये आई मेकअप लुक देखना चाहते हो तो ये मैंने हुडेड आईज आई मेकअप किया है। अगर आपकी आईज छोटी है, हुडेड आईज है आपकी, अगर आपका आई मेकअप शो नहीं होता है तो आप किस तरीके से अपनी आई को बड़ा लुक दे सकते हो, इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है जो मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगा, या इस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी तो आप जाके चेकआउट कर सकते हो। सो गाइस वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस हेयर एक्सटेंशन अप्लाई करने से पहले आप ये देख लीजिए आपने कौन सा हेयर एक्सटेंशन अप्लाई कर रहे हो। अगर आप स्ट्रेट, आपके बाल स्ट्रेट है, अगर आप जिस तरीके से मैंने बताए हैं, मैं जो मंगाती हूँ, मैंने मंगाए हैं वो है हेयर हाइलाइटेड हेयर, और ये स्ट्रेट हेयर है तो इसको जब भी मैं अप्लाई करूंगी तो मेरे बालों को मुझे स्ट्रेट करना होगा, जैसे कि मैंने अभी अपने बालों को स्ट्रेट किया है। सो गाइस अगर आपके बाल कर्ल है, अगर आप कर्ल वाली हेयर एक्सटेंशन अप्लाई कर रहे हो तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि आपके अपने बालों को पहले आपके जो नेचुरल बाल है उन्हें कर्ल कर लीजिए, वो तभी उसमें मिक्स हो पाएंगे। अगर आपके बाल कर्ल है, अगर आप कर्लिंग वाले हेयर एक्सटेंशन अप्लाई कर रहे हो तो वो उसमें मैच हो जाएंगे। अगर आपके बाल स्ट्रेट है और आप कर्ल हेयर एक्सटेंशन अप्लाई कर रहे हो तो वो एकदम अलग से दिखेंगे। तो गाइस यहाँ पे मैं आपको अप्लाई करके बताऊंगी, ये वाले स्ट्रेट वाले हेयर एक्सटेंशन हाइलाइटेड हेयर है बट ये एकदम स्ट्रेट है तो मुझे मेरे बालों को हमेशा स्ट्रेट करना है। तो आप जब भी अपने बालों को स्ट्रेट कीजिए, जब भी आप हेयर एक्सटेंशन अप्लाई कीजिए तो अपने बालों को स्ट्रेट कर लीजिए। एक बार जो मैंने अपने बालों को अच्छे से स्ट्रेट कर लिया है हेयर फिलिप्स के हेयर स्ट्रेटनर से, मेरे पास फिलिप्स वाला स्ट्रेटनर है, आपके पास जो भी स्ट्रेटनर है नोवा का, आइकॉनिक का, जो भी, आप अच्छे से अपने बालों को स्ट्रेट कर लीजिए, उसके बाद ये इसमें मैच हो जाएंगे। तो अगर एकदम मिक्स हो जाएंगे, अगर ये अगर मैं स्ट्रेट नहीं करूंगी, मेरे बालों में हल्का सा कर्ल आता है तो वो अलग से निकल के दिखेंगे कि हाँ मैंने कुछ अप्लाई किया है। सो गाइस फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपका यहाँ क्लियर कर रही हूँ। मेरे जो भी सब्सक्राइबर है जिनने मुझे ये क्वेश्चन किया था कि हमारे जो हेयर एक्सटेंशन है वो हमारे हेयर में मैच नहीं होते हैं, तो आप फर्स्ट तो आप ये देख लीजिए, सेकंड आप जो भी हेयर एक्सटेंशन अप्लाई कर रहे हो या मंगा रहे हो वो आप अपने हेयर कलर से चूज करते हुए मंगाइए। जैसा कि मेरे जो हेयर है वो ब्राउन शेड में आते हैं तो मैंने गोल्डन ब्राउन हेयर मंगाए हैं, बट आप अगर एकदम अलग कलर से बाय करोगे तो वो नहीं मैच होंगे। तो आप क्या कीजिए, जब भी आप बाय करें आप अपने हेयर के एडजस्ट कलर के ही बाय कीजिए। थर्ड आपका, अगर आपके बालों में हेयर कट किया हुआ है, मेरी एक सब्सक्राइबर है उन्होंने, सॉरी गाइस बैकग्राउंड में जो नॉइज हो रहा है उसके लिए, मेरी एक सब्सक्राइबर है उनका नाम आई थिंक मुझे याद नहीं है, उन्होंने मुझसे कहा था मैम मेरे बालों में बहुत ज्यादा हेयर कट लिया हुआ है तो मेरे जो स्ट्रेट हेयर है वो एकदम, जो मेरे हेयर एक्सटेंशन मैंने अप्लाई किए वो एकदम अलग से दिख रहे हैं। तो आदिया, आई थिंक आदिया है उनका नाम, आदिया आप ऐसा कीजिएगा जब भी आप हेयर एक्सटेंशन अप्लाई करते हो पहले तो आप अपने बालों को अच्छे से स्ट्रेट कीजिए अगर आपने स्ट्रेट हेयर मंगाए हैं। सेकेंड, अगर आपके बालों में, मैं उन्हीं को नहीं सभी को कह रही हूँ जिन जिनके बालों में बहुत ज्यादा हेयर कट आपने लिया हुआ है, तो आप क्या करेंगे, आपके बालों की जो सबसे नीचे वाली लेयर जो होती है वहां से आप अपने बालों में इन्हें टक करेंगे, क्योंकि जो नीचे के आपके हेयर होंगे उनमें तो आपने हेयर कट नहीं लिया होगा, उनको तो थोड़ा लॉन्ग ही छोड़ा गया होगा कटिंग में। तो आप जैसे मेरे तो केवल क्राउन एरिया के हेयर में कटिंग की हुई है, तो गाइस आपको क्या करना होगा, जिन जिन ने हेयर कट लिया हुआ है आप यहाँ से इसे अप्लाई करेंगे, ये जो आपके एकदम मिडल नीचे जो आपके हेयर है उनमें आपको इसे टक करना होगा। तो मैं आपको टक करके बता देती हूँ किस तरीके से आपको इसे टक करना होगा। तो आप ऐसा करिए, पूरे बालों को आपको इस तरीके से ले लेना है, अपनी पीछे के जो हेयर है उन्हें आपको नीचे की तरफ छोड़ देना है, ये देख सकते हो मैंने बहुत ही मामूली से छोड़े हुए हैं। सो गाइस आपको इस तरीके से एक रफली सा बन बना लेना है और आपके जो पीछे के हेयर है उनको इतने से ही, बहुत ही थोड़े से आपको हेयर लेने हैं और उन्हें, अगर आपके पूरे हेयर में हेयर कट लिया हुआ है तो जो पीछे के हेयर होंगे वो तो लॉन्ग होंगे ही, तो आप इस तरीके से इसे अप्लाई कर सकते हो। सो आपको इस तरीके से उन्हें छोड़ देना है, बाकी ऊपर आपको एक रफली सा हेयर बन बना लेना है। उसके बाद आपको आपका हेयर एक्सटेंशन लेना है, तो मैं आपको बैक से बता देती हूँ किस तरीके से लगाना है। सो गाइस आपको मैं पीछे की तरफ से दिखा देती हूँ, बैक की तरफ से आपको क्या करना होगा, सबसे लास्ट की लेयर लेकर वहां से आपको अपने एक्सटेंशन को अप्लाई करना होगा। इससे क्या होगा, वो एकदम नीचे की लेयर बन जाएगी आपके बालों की
हेयर कट की वजह से अप्लाई करेंगे। सो गर्ल्स देख सकते हो ये एकदम एकदम मेरे बालों में मैच हो गया, क्योंकि मैंने मेरे बालों को अच्छे से स्ट्रेट कर लिया था पहले ही। सो गाइस इस तरीके से आपका जो हेयर कट होगा वो आपके आगे के बालों में होगा, और जो आपने हेयर एक्सटेंशन अप्लाई किए हैं वो आपके पीछे के बालों में होगा, तो वो इस तरीके से नहीं शो हो। आप बैक से भी देख सकते हो, कहीं से भी आपको नहीं पता लगेगा कि मैंने कोई एक्सटेंशन अप्लाई किए हुए हैं। सो गाइस देख सकते हो आप। सो गाइस अगर अभी भी आपके हेयर एक्सटेंशन अलग से दिख रहे हैं अप्लाई करने के बाद, तो आप हेयर कट वाले हेयर एक्सटेंशन जो होते हैं जिनमें हेयर कट किया हुआ आता है आप वो भी ले सकते हो, वो भी आपको अमेजोन पे या फ्लिपकार्ट पे इजीली मिल जाएंगे। सो अगर आपने अपने बालों में हेयर कट लिया हुआ तो आप इस तरीके से एकदम नीचे से अपने इस एक्सटेंशन को अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगी इससे आप किस तरीके से चोटी बना सकते हो या कोई भी हेयर स्टाइल क्रिएट कर सकते हो, या हेयर स्टाइल किस तरीके से बना सकते हो, या फिर पोनी किस तरीके से बना सकते हो, हाई पोनी भी आप बना सकते हो हेयर एक्सटेंशन अप्लाई करने के बाद। सो गाइज पहले मैं हेयर एक्सटेंशन अप्लाई कर लेती हूँ। सो पहले आपको इस तरीके से एक बन बना लेना है, उसके बाद मैं हेयर एक्सटेंशन अप्लाई कर रही हूँ। मैं नॉर्मली हेयर एक्सटेंशन जिस तरीके से अप्लाई करती हूँ मैं उसी तरीके से इसे अप्लाई कर रही हूँ। स्कैल्प के क्लोज क्लोज टक कर लूंगी अच्छे से। ये जो टक क्लिप्स होती है ना ये बिल्कुल भी खुलती नहीं है, आप जब तक इन्हें खोलोगे नहीं ओपन नहीं करोगे। सो गाइज आप देख सकते हो मैंने अच्छे से इसे टक कर लिया है। अब गाइज मैं पोनी बनाऊंगी, एक हाई पोनी। मेरे पास कमेंट आए थे क्या मैम इसको लगा के आप पोनी बना सकते हैं, तो सो गाइज आप देख सकते हो मैंने नॉर्मल हाई पोनी बनाई है। एक रबर बैंड लगा लूंगी मैं नॉर्मल। अगर आपके बाल पतले हैं या आपकी पोनी जो होती है वो बहुत ही पतली बनती है, तो इस तरीके से आप हेयर एक्सटेंशन अप्लाई करके आप हैवी लुक दे सकते हो आपके बालों को, एक न्यू लुक क्रिएट करके दे सकते हो आप अपने बालों को। सो गाइस देख सकते हो कहीं से भी हेयर एक्सटेंशन नहीं दिख रहे हैं। आपने हाई पोनी देखी, अब मैं आपको छोटी बनाना बता देती हूँ। इस तरीके से आप कोई भी छोटी कुछ भी बना सकते हो हेयर एक्सटेंशन अप्लाई करने के बाद। नॉर्मल आप नॉर्मल चोटी बनाते हो उसी तरीके से आपको इसकी भी चोटी इस तरीके से बना सकते हो, जिस तरीके से नॉर्मल चोटी आप बनाते हो थ्री पार्टीशन करके, उसी तरीके से आप नॉर्मल चोटी भी बना सकते हो हेयर एक्सटेंशन को लगा के। सो गाइस आप देख सकते हो कहीं से भी शो नहीं हो रहा कि मैंने अलग से हेयर एक्सटेंशन अप्लाई किए हुए हैं। सो गाइस आप देख सकते हो कितनी हैवी चोटी बनी है मेरी। अब मैं आपको हाई पोनी का एक और तरीका बताऊंगी हेयर एक्सटेंशन के साथ आप किस तरीके से बना सकते हो। आप आपके बालों का अच्छे से पोनी बना लीजिए, एक हाई पोनी। अब आप क्या करेंगे, आपके बालों का रफली सा बन बना लेंगे इस तरीके से, और फिर टक क्लिप से अच्छे से टक कर लीजिएगा इसे सिक्योर करने के लिए, जिससे क्या है आपका बन ना ओपन ना हो जाए। सो गाइस अच्छे से आप टक कर लीजिए, और मैं इसे इस तरीके से यू पिन से सिक्योर कर रही हूँ। सो आपको इस तरीके से एक रफली सा बन बना लेना है। अब आप क्या करेंगे उसके बाद आपको एक्सटेंशन इस तरीके से ले लेने हैं। उसके बाद जो आपने बन बनाया है उसके ऊपर आपको टक क्लिप्स को अच्छे से टक कर लेना है, और जो भी हेयर होंगे उनको आपको बन को इस तरीके से उससे कवर अप कर देना है। सो गाइस आप देख सकते हो। सो गाइस इसी तरीके से आप अपनी पोनी को एक हाई पोनी भी बना सकते हो, या इसको आप किसी पार्टी वेडिंग में भी कैरी कर। तो इसी तरीके से आप अपने बन को हाई बन भी बना सकते हो, इसी तरीके से आप अपने पोनी को हाई पोनी भी बना सकते हो बन बना के हेयर एक्सटेंशन के थ्रू। काफी अच्छा लुक दे रहा है। मेरे रूम में लाइट जा चुकी है तो आपको थोड़ा सा ब्लर लग रहा होगा, उसके लिए सॉरी। सो आप इसे अप्लाई करके कहीं भी जा सकते हो, ये बिल्कुल नहीं लेगा, आप देख सकते हो ये बिल्कुल नहीं गिरेगा, काफी अच्छा लुक दे रहा है। सो
सो गाइस हेयर एक्सटेंशंस को लेकर जो भी आपके डाउट्स थे वो मैंने क्लियर किए, यहाँ तक कि मैंने आपको ये भी बताया किस तरीके से आप अगर आपके बालों में हेयर कट है तो आप हेयर एक्सटेंशन अप्लाई कर सकते हो। ऐसा कुछ नहीं, हेयर एक्सटेंशन अप्लाई करके भी आप हेयर स्टाइल वगैरह क्रिएट कर सकते हो। अगर अभी भी आपके मन में कोई डाउट है, अगर अभी भी आप कुछ क्लियर करना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में फुल्ली क्लियर कर सकते हो, डोंट माइंड आप आऊंगी। बाकी मैं सभी को रिप्लाई देती हूँ, मेरे हर एक वीडियो पे जाके आप देख सकते हो। बट आप लोग लाइक नहीं करते हो तो अगर वीडियो को लाइक नहीं मिलता है तो थोड़ा सा डीमोटिवेट हम भी हो जाते हैं। मेरा भी हर बार वीडियो बनाने का यही होता है कि कम से कम आप एक लाइक जरूर दे दी। अगर अभी भी आपके मन में कोई डाउट है किसी भी हेयर एक्सटेंशन को लेकर या कुछ और आप देखना चाहते हो तो मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। अच्छा लगा हो तो मेक श्योर वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।